की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे जो सीधे अफगानिस्तान से आ रही है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और बदल भी रहे हैं। जी हां, राष्ट्रपति समेत दूसरे बड़े नेता देश से भाग चुके हैं और मुल्क की आवाज को तालिबान के खौफ में झोंक दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये विमान खड़ा है और देखिए किस तरह से अफगानिस्तान के लोग यहां से भागना चाहते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि जगह नहीं है विमान में, कई लोग लटके हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सीढ़ियों पर लटके हुए आपको लोग नजर आएंगे। देखिए क्या विचित्र स्थिति यहां पर हो गई है। जैसे ही तालिबान का काबुल पर कब्जा हुआ, अफगानिस्तान पर एक तरह से उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया तालिबान ने कि हमारा कब्जा हो चुका है, उसके बाद की ये ताजा तस्वीरें। कहा जा रहा है लगभग 12:30 बजे वहां फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कोशिशें तेज होंगी और यहां से यानी कि भारत से स्पेशल विमान भेजा जाएगा। हालात ये हैं कि अमेरिकियों ने अपनों को निकालने के लिए फौजी कूच कर दिया है। भारतीय विमान 12:30 बजे काबुल रवाना हो रहा है लेकिन एयरपोर्ट पर गोलीबारी के चलते आवाजाही बंद है। एयरपोर्ट पर रनवे से लेकर एरो ब्रिज तक लोगों की भारी भीड़ है। लोग विमान से लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, हर कोई यहां से भागना चाहता है।